ठंड ने पिछले 13 साल का तोड़ा रिकॉर्ड, दिसंबर 2018 में दर्ज किया गया 167 केल्विन। इन दिनों पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पहाड़ों पर जहां तापमान का पारा कई डिग्री तक माइनस में चला गया है, वहीं मैदानी इलाके में पारा शून्य के आसपास बना हुआ है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मैदानी इलाकों ने शीतलहर ने लोगों का जीना दुभर कर दिया है। हाड़कंपा देने वाली सर्दी और गलन भरी हवा ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग के ताज़ा आंकड़े के मुताबिक दिसंबर 2018 में देश में 167 कोल्ड वेव यानी शीतलहर आया, जो पिछले 13 साल में सबसे ज्यादा है। इससे पहले दिसंबर 2005 में 177 कोल्ड वेव आए थे। वहीं दिसंबर 2017 में देश में महज 30 कोल्ड वेव महसूस किया गया था। गौरतलब है कि कोल्ड वेव की स्थिति तब पैदा होती है जब ठंड के मौसम में किसी खास इलाके में कड़ाके की सर्दी के बीच मौसम के तापमान में 5 डिग्री या उससे ज्यादा की गिरावट दर्ज की जाती है और ये स्थिति ज्यादा समय तक बनी रहती है। आपको बता दें कि इन दिनों पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई इलाकों में पारा सामान्य से कई डिग्री तक नीचे पहुंच गया है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पिछले कई दिनों से जबरदस्त शीतलहर चल रही है। फिलहाल लोगों को ठंड के इस ठिठुरन से निजात मिलता नहीं दिख रहा है। मौसम की ये मार आम लोगों पर ही नहीं फसलों पर भी पड़ रही है। पाला गिरने की वजह से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है।